सो गाइस क्या होगा जब अलग अलग टाइम से लोग गायब होकर पहुंच जाते हैं 2021 में। इसी बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक सीरीज जिसका नाम है 4400 टाइम ट्रैवल 2021। और अब आपके कमेंट्स करना जरा वेट करते हुए चलते हैं इस वीडियो की एक्सप्लोरेशन पर, जिसकी स्टार्टिंग 2005 से होती है, जहां पे हम शिनिक नाम की लेडी को देख पाते हैं जो कि अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहती है। शिनिस एक लॉयर है जो कि अपने बच्चे को अपने पति के साथ छोड़ के चली जाती है। जब वो ऑफिस की तरफ जा रही थी तभी शिनिक को एक हरे रंग की रोशनी दिखती है जो कि उसे अपने अंदर खींच लेती है और सीधे एक खाली मैदान में गिर देती है, जहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते जा रहे थे। कई सारे पोर्टल्स खुल रहे थे और कई सारे लोग गिर रहे थे, जहाँ पर इन सभी के कपड़े को देखते हुए हमें लगता है कि किसी और ही समय से आए हुए हैं और हर कोई अलग अलग समय से है। जहाँ पे हम एक डॉक्टर को भी देख पाते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से है और ये सारे लोग इस जगह पे पता नहीं कहाँ से आ गए। इन सभी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट के लोग इन सब पे डिटेल्स लेते हैं कि इनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं ये लोग। इस केस के लिए गवर्नमेंट ने एक पुलिस ऑफिसर को हायर किया जिसका नाम होता है कीशा, जिसके साथ ही एक सोशल वर्कर भी होता है जिसका नाम जेरल होता है। जिसके बाद में कीशा को पता चलता है कि ये सारे 4400 लोग पता नहीं कैसे उस पार्क में आ गए जिसकी इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इनमें से कई सारे लोग तो अमेरिका से भी नहीं है। जिसके बाद में वो सभी लोग पुलिस ऑफिसर से कहते हैं आखिर हमें इस होटल में कैदियों की तरह क्यों रखा गया है और उन्हें आखिर घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। जिसकी बातें सुनने के बाद बाकी के लोग भी उसका समर्थन करते हैं, जिसमें डॉक्टर एंड्रयू जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से, क्लोडेट और लेडोना जो कि एक रियलिटी स्टार है 2015 से, और एक छोटी लड़की मिल्ड्रेड जो कि 1917 से है। लास्ट में एक बंदा जिसका नाम है हेडन जो किसी से भी बात नहीं करता। जहां पर पुलिस वाले की बात सुनने के बाद कि वो 2016 में है, उन सबको बहुत बड़ा शॉक लगता है और ये रिएक्शन आता है। जिसके बाद भी हम क्लोड को देख पाते हैं जिसकी टांग पे चोट लगी हुई थी, जिस पर डॉक्टर एंड्रयू उसकी पट्टी कर देते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद सभी लोगों को बारी बारी से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो सभी यही बात कहते हैं कि ग्रीन सर्कल की रोशनी से हम यहाँ पे आ गए। और पुलिस को ये बात कोई भी लॉजिकल नहीं लग रही थी और वो लोगों को भी ये नहीं कह सकते थे कि ये लोग ग्रीन सर्कल की रोशनी से आए हैं। जहाँ पे शेनिस उनसे कहती है कि 16 साल पूरे हो चुके हैं, मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है। जहाँ पर जेरल कहता है कि तुम सब अभी किसी से भी नहीं मिल सकते और ये जाँच पूरी होने तक तुम्हें इसी होटल में रहना पड़ेगा। जिसके बाद में शेनिस वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे वहाँ पे मिल्ड्रेड मिलती है, जहाँ पे शेनिस मिल्ड्रेड को बताती है कि वो अपने परिवार वालों से मिलना चाहती है। और वहाँ पे मिल्ड्रेड को भी पता चलता है कि जब से वो उस ग्रीन सर्कल से पास आउट हुई है उसके पास कुछ पावर्स आ गई हैं। शेनिस की मदद करने के लिए मिल्ड्रेड सभी सिक्योरिटी कैमरास को घुमा देती है, डोर्स को भी ओपन कर देती है, जिस बारे में शेनिस को भी कुछ भी पता नहीं चलता और वो डोर्स को खुला देख वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। वहीं पर जब दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रयू क्लोडेट की पट्टी हटाते हैं तब वो देख पाते हैं कि उसकी चोट बहुत ही जल्दी से ठीक हो रही है, क्योंकि उसने कुछ ही घंटे पहले क्लोडेट के पैर पे पट्टी बांधी थी और क्लोडेट भी काफी ज्यादा शॉक होती है उसका घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। जिसके बाद में हम शेनिस को देख पाते हैं जो कि अपने घर में जाती है, लेकिन उसे उस घर में कोई भी नहीं मिलता क्योंकि उसकी बेटी और उसके पति उसे कई साल पहले ही बेच के चले गए थे। लेकिन उसे उस घर के नेबर से उसका एड्रेस मिल जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिससे बचने के लिए शेनिस वहाँ से भाग जाती है। जिसकी नेक्स्ट मॉर्निंग शेनिस को मिलने के लिए जेरल एक सोशल वर्कर था, इसलिए वो शेनिस से कहता है कि मैं तुम्हारे पति के नए घर पे तुम्हें लेके चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में तुम्हें पुलिस की कस्टडी में वापस आना होगा। जिसके लिए शेनिस भी मान जाती है और वो जेरल के साथ निकल पड़ती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम क्लोड को देख पाते हैं बाथरूम में लेडोना को अपने हाथ पे कट मारने के लिए कहती है, जहाँ पे लेडोना भी डरते डरते कट मार देती है, लेकिन वो देख पाते हैं कि उसकी चोट बहुत ही जल्दी हील हो रही है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये दोनों जाकर डॉक्टर एंड्रयू को ये बात बताते हैं, जहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि शायद उस ग्रीन सर्कल से पास होने के कारण हम सबके अंदर ये पावर आ गई है, लेकिन लेडोना वहाँ पे कहती है कि मेरी चोट तो अभी तक ठीक नहीं हुई और ये पावर सिर्फ क्लोडेट के अंदर है। जहाँ पे ये तीनों सोचते हैं कि इस बात को वो किसी को भी नहीं बताएंगे। जिसके बाद में वहाँ पे सभी लोग नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें उनके घर जाने दिया जाए। जहाँ पे इन सबको बेकाबू होता देख एक पुलिस वाला इलेक्ट्रिक रोड निकालता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को मार पाता मिल्ड्रेड उस रोड को हवा में रोक लेती है, जिसे ऐसा करते कोई भी देख नहीं पाता सिवाय उस मिस्टीरियस बंदे के। जिसके नेक्स्ट सीन में हम शेनिस को देख पाते
जो कि अपने पति के नए घर में जाती है, जहां पर वो अपनी बेटी को देख पाती है जो कि अब 16 साल की हो चुकी है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पति की नई वाइफ भी वहां पे आ जाती है, जिसे देखकर चेनिश का भी जरा शोक हो जाती है। और उसका पति उसे कहता है कि अब क्यों तुम आई हो यहाँ पे, 16 साल पहले तो तुम एक लेटर छोड़ के चली गई थी। और ये देखकर तो काफी जरा हैरान थे कि चेनिश अभी भी पहले जैसी है, जबकि वो अब उसे 16 साल बड़ा दिख रहा है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती आती और शैनिस का पति उसे इसलिए नाराज था कि 16 साल पहले वो उन सबको छोड़ के चली गई। जिसके बाद में पुलिस वाले शैनिस को उसी होटल में ले जाते हैं, जहाँ पे शैनिस की मुलाकात डॉक्टर एंड्रयू से होती है। और शैनिस डॉक्टर एंड्रयू कहती है बार सच में 2021 चल रहा है, और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से भी मिली हूँ जो कि वो मुझसे 16 साल बड़े हो चुके हैं, और मेरी बेटी भी अब 16 साल की है। जिसके बाद में वो डॉक्टर एंड्रयू को ये भी बताती है कि जब उसकी बेटी हुई थी तब उसे लगा था कि वो उसकी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती, इसीलिए उसने एक लेटर लिखा कि वो उन दोनों को छोड़ के जा रही है। लेकिन उसने वो नोट उसे कभी भी नहीं दिया, और अपनी बेटी के प्यार को देख उसने उस नोट को कार में छुपा दिया और उसे वहां पे भूल गई। और जब शायद वो गायब हुई होगी उस कार से, तब उसके पति को वही नोट मिला होगा जो कि उसने बहुत पहले लिखा, जिसके कारण उसका पति सोच रहा है कि वो उन सबको छोड़ के चली गई है। जिसके बाद में बहुत ज्यादा रोती, और उसी रात वो सभी फिर से इकट्ठा होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन वो पुलिस वाले उन सबको धमकाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोशल वर्कर जनरल को देख पाते हैं, जो कि उस पुलिस ऑफिसर से कहता है उसका छोटा भाई मैनी बहुत टाइम पहले गायब हो गया, और उसके गायब होने से पहले मैंने दरवाजे से उस हरी रोशनी को देखा जिसके बारे में ये सभी लोग बातें कर रहे हैं। और वो जब 4400 लोग उस पार्क में अचानक से आ गए तो मुझे लगा कि मैंने भी उन्हीं में से एक होगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिला। और यही वजह है जिस कारण मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे तब मैं अपने भाई को भी ढूंढ पाऊंगा। जिसके बाद में जब वो पुलिस ऑफिसर वापस उस होटल में पहुंचती है, तब उनमें से एक बच्चा हिडन जाके उससे कहता है कि जेरल से कहना कि मैनी ठीक है, और उसने उनसे माफी भी मांगी है। जहां पे वो पुलिस ऑफिसर हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता मैनी के बारे में। जिसके बाद में वो बच्चा बहाने बनाना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि ये बातें मैं लोगों को कहते हुए सुनी थी। जिसके बाद में ये एपिसोड भी खत्म हो जाता। और दोस्तों कैसा लगा आपको एपिसोड, क्या मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं? इस वीडियो में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।